फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे शादियों वाली गोभी, वो भी कुछ अलग मसालों से को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं शादियों वाली गोभी की सब्जी। पहले हमने गोभी को अच्छे से कट कर लिया, गोभी को हमने ज्यादा पतला नहीं कट किया है, मोटा मोटा ही कट करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और उसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे और इस पानी में हम गोभी को डाल देंगे। फ्रेंड्स गोभी को हमेशा जब भी बनाइए गोभी को गर्म पानी में डाल के उसको अच्छे से धो लीजिए। और फ्रेंड्स इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं और एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इस ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले 2 से 3 तेजपत्ता ऐड करेंगे, 3 से 4 लौंग को ऐड करेंगे और 3 से 4 काली मिर्च को ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक हमारे मसालों की खुशबू अच्छे से आने नहीं लगती। फ्रेंड्स इसके बाद हम इसमें एक बारीक चौकी हुई प्याज को ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। फ्रेंड्स प्याज धीरे धीरे भुनने लगी है, इस स्टेज में हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियों को क्रश करके इसमें ऐड करेंगे और इनको भी प्याज के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से सॉटी होने लगा है और हमारी प्याज हल्की सी पिंक हो गई है और दोनों चीजें अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी हरी मिर्च भी अच्छे से भुन गई है। इस स्टेज में हम 1 टमाटर को क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसमें अपनी गोभी को ऐड करेंगे। जो गोभी हमने पहले से धो के रखी है ना उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, जब तक हमारी गोभी नहीं भुन जाएगी हम इसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने गोभी को ऐड कर दिया, अब हम इस गोभी को भी इसमें अच्छे से भून लेंगे। गोभी को हमें जब तक भूनना है जब तक हमारी गोभी में से एक अच्छी सी स्मेल नहीं आ जाती, क्योंकि गोभी के भूनने का टेस्ट हमें दूर से ही पता चल जाता है। गोभी की जब भूनने लगती है तो उसकी खुशबू दूर तक जाने लगती है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी गोभी अच्छे से भुन गई है, अब हम इसे इस स्टेज पे 1 से 2 आलू को कट करके ऐड करेंगे। आलू को हमें ज्यादा बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा मोटा ही कट करना है। अब हम इस आलू को भी गोभी के साथ अच्छे से भून लेंगे। पहले हम अकेले गोभी को भून रहे थे, अब हमें गोभी आलू दोनों की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि दोनों की खुशबू दूर तक जाए। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपके पास मटर अवेलेबल है तो आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, मेरे पास मटर नहीं थी तो मैंने मटर को स्किप कर दिया। फ्रेंड्स ये लीजिए हमारे गोभी आलू बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गए हैं, अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिए मैं बहुत ही स्पेशियस, अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करते हैं, लाल मिर्च अपने हिसाब से ऐड करिए क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को भी ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करते हैं, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच ऐड किया है और इन सभी मसालों को हम गोभी के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सारे मसाले गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। फ्रेंड्स लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और फ्रेंड्स लास्ट में हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अब हम इसको वापस से नमक के साथ मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये लीजिए हमने नमक के साथ भी गोभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स अब हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही पकाएंगे क्योंकि हमारी गोभी लगभग 50% तक अच्छे से कुक हो गई है और 50% तक अब हम इसे ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे।
फ्रेंड्स चलिए एक बार लिड को हटा के देखते हैं और गोभी को चला देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी गोभी धीरे धीरे पकने लगी है। अब इस स्टेज में हम इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे, यही हमारी गोभी का सीक्रेट है और हमारी गोभी इसमें अच्छे से पकेगी। इससे गोभी का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे और अच्छे से एक बार इसमें बॉईल आने देंगे ताकि हमारी दही फटे नहीं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी दही में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम लिड को वापस से कवर कर देंगे और इसे 8-10 मिनट के लिए सिम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। फ्रेंड्स चलिए अपनी लिड को हटाते हैं और अपनी गोभी को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी सादियों वाली गोभी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी गोभी की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है और ये सब्जी बिल्कुल वैसी है जैसी शादियों में बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आप इसे पूड़ी पराठा रोटी नान दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।